क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन इतनी बड़ी है कि उसके अंदर एक स्विमिंग पूल और एक सोना भी है। नहीं, ये वाला सोना नहीं, सोना। इम्पॉसिबल लग रहा है ना? तो चलिए जानते हैं आज इस अंडरवाटर जाइंट के बारे में। हम बात करें टाइफून क्लास सबमरीन्स की। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन ने इनको बनाया था अमेरिका के ओहियो क्लास सबमरीन्स को टक्कर देने के लिए। इमेजिन करो एक सबमरीन जो 2 फुटबॉल फील्ड्स जितनी लंबी है और उसका डिस्प्लेसमेंट 48,000 टन्स है, मतलब जितना पानी वो हटाती है उसका वजन 8,000 हाथी के बराबर है। इतनी बड़ी थी। इनके डिजाइन इतने यूनिक थे कि इनमें एक नहीं बल्कि 2 पैरेलल प्रेशर होल्स थे, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग और सर्वाइवेबल बन जाती थी। और हाँ, क्रू के लिए अंदर सोना और छोटा स्विमिंग पूल भी था ताकि लॉन्ग मिशंस पर उन्हें कंफर्ट मिले। सबमरीन्स यूजुअली क्रैम्ड होती हैं, बट टाइफून वाज डिफरेंट। इनका मेन पर्पस था न्यूक्लियर डिटेरेंस। हर टाइफून क्लास सबमरीन में 20 R-39 बैलिस्टिक मिसाइल्स होते थे और हर मिसाइल में 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, मतलब एक अकेली सबमरीन से 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स फायर किए जा सकते। ये स्पेशली डिजाइन किए गए थे आर्कटिक आइस के नीचे ऑपरेट करने के लिए, जहाँ इन्हें डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सोचो आइस के नीचे से निकलकर मिसाइल्स लॉन्च करना, बिल्कुल मार्वल की मूवी जैसी लगती है ना। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो इन मेंटेनेंस हैवी बीस की जरूरत कम होगी। लास्ट ऑपरेशनल टाइफून क्लास सबमरीन दिमित्री डॉन्स की, उसको 2023 में डिकमीशन कर दिया गया। अब उसकी जगह रशिया के बोरे क्लास सबमरीन ने ले ली है। तो ये थी दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन की कहानी। क्या आपको लगा था कि सबमरीन इतनी भी बड़ी हो सकती है? कॉमेंट्स में बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।